ये योग का ही असर है कि देखिए स्वामी जी जिस और कम से कम मीनाक्षी आज का एपिसोड देखने के बाद आज की क्लास में जो लोग शामिल हो रहे हैं देश के तमाम लोग या दुनिया भर से, उन्हें कम से कम अब अगर वो थोड़ी बहुत भी लापरवाही करते रहे योग करने में, तो आज वो तमाम लापरवाही छोड़ करके, तमाम बहानेबाजी छोड़ करके, अब आज से उनको योग जरूर करना शुरू करना चाहिए। वैसे तो हिंदुस्तान में हर घर घर तक योग पहुंच ही चुका है, लेकिन फिर भी जो लोग बहाने बना रहे थे, आज का एपिसोड देखने के बाद वो बहाने बनाना बंद कर। तभी तो मैं कह रही हूँ हुसैन, जिस उम्र में स्वामी जी, हालांकि स्वामी जी हमेशा बोलते हैं अभी तो मैं बच्चा हूँ लेकिन जिस उम्र में स्वामी जी है, लोग बीपी के, शुगर के, न जाने कौन कौन सी बीमारी के शिकार हो जाते हैं, और स्वामी जी एकदम परफेक्टली फाइन है। स्वामी जी, स्वामी जी ने एक बार फिर पूछ लिया, ब्लड प्रेशर लेवल दोबारा देख लो कितना है, 21, 66. बहुत शानदार स्वामी जी। जब शांत हो गया, तो बीपी भी एकदम शांत हो गया और ऑक्सीजन का लेवल भी शानदार है स्वामी जी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक एक क्षण का कैसे असर होता है वो अभी आप देखेंगे जी। अब मैं प्राणायाम भस्त्रिका दो तरह से करके बता रहा हूँ, और उसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर, कैलोरी कितनी बर्न होती है, पर मिनट कितना बैच रेट होता है, ये मैं दो तरह से करके बताऊंगा, एक जवानों की तरह, एक रोगियों की तरह। वैसे स्वामी जी आपका जितना ऑक्सीजन लेवल है धीरे करना है, लेकिन मैं स्वामी जी जितना ऑक्सीजन लेवल आपका है उतना ही हमें सबका बनाना है। अभी तो अब योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं स्वामी जी या कुछ और प्रयोग दिखाना चाहते हैं आप? सबसे पहले मैं भस्त्रिका करूंगा जी, तेज गति से, एक मिनट में 150 से 200 के बीच में ब्रेथ रेट होगा। तो जो यंगस्टर्स हैं, जो कैलोरी बर्न करने के लिए कई प्रकार से दौड़ लगाते हैं और जो है अलग अलग फिजिकल वर्कआउट्स करते हैं, खेलते हैं, जिम करते हैं, तो ये जिम का भी कैसे बाप है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पर मिनट में कितनी कैलोरी बर्न होती है वो हम बताएंगे। मैं पहले तेज गति से करता हूँ एक मिनट के लिए, तो आप मीनाक्षी जी आप भी तेज करने की कोशिश करना, और हुसैन भाई आप भी इतना तेजी से करना कि आपका सिंहासन ना हिले और आपका ना गिरे जी, और मैं घड़ी भी देख रहा हूँ। तो मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ, आप काउंटिंग मेरे को दे देना, हाँ स्टार्ट बोल देना, चलो स्टार्ट बोल रहा ना जी, मैं बोलूंगा कुमार रेडी, हेलो रेडी ना, रेडी स्टार्ट। मीटर तेजी से भाग रहा है, स्वामी जी ऑक्सीजन लेवल कुछ घट रहा है क्या? ये बताएंगे जब आप बहुत तेजी से करेंगे जी, अभी ऑक्सीजन लेवल आप दोबारा चेक करो, भाई इनका भ्रम दूर हो जाएगा। आप चेक करो ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन लेवल ये जो 169 ब्लिंक कर रहा है वो क्या है? हाँ स्वामी जी, जो मॉनिटर है उसमें सबसे ऊपर 169 जो सबसे ऊपर का फिगर है वो क्या है, जरा वो भी, क्योंकि वो जो है भस्त्रिका करते हुए 177 तक चला गया था, वो हाई ऊपर जा रहा था। तो अब बता रहा हूँ आपको ये खतरों के खिलाड़ी वाला काम है ये। हाँ भाई, अब ऑक्सीजन लेवल कितना है अब देखो, ऑक्सीजन लेवल देखो, अभी अभी बीपी मत चेक करो,
और अभी बीपी कितना था करते समय? ये जानना जरूरी है। बिल्कुल सही बात। आज की क्लास में सिखाना चाह रहा हूँ, कुछ बताना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, ये बड़ी बात है। 120/79 इतना ही था तो कितने तेजी से भस्त्रिका किया? 120/70 और सबसे ऊपर जो 116 है स्वामी जी, वो क्या है? 79 और जो पल्स रेट है वो बड़ी है, पल्स रेट कितना था? 160 पल्स रेट 97 हो गया, बीपी हो गया 120/79 और ऑक्सीजन लेवल भी 99 के पास है। स्वामी जी अब आपको कुछ और साबित करने की जरूरत नहीं है, दुनिया आपका पहले ही लोहा मानती थी। प्रयोगशाला से बता रहे कि प्राणायाम के क्या इफेक्ट होते, मैं बोलता हूँ ना जी जी, प्राणायाम इज मैंडेटरी फॉर ऑल, तो अब इसका दूसरा वर्जन बता रहा हूँ जो सब कर सकते हैं।